इसमें हालात बीजेपी का किसी को विरोध नहीं है गढ़बोर में, और गढ़बोर की जनता 80% बीजेपी को वोट देती है, लेकिन वो नाथू भाई के साथ। बेड़चना का जो हमारी बहुत सालों पुरानी महत्वाकांक्षी योजना है, उससे आमेट और गढ़बोर का पानी की व्यवस्था हो सकती थी, वो आज दिन तक उनके सिंचाई मंत्री रहते हुए। अगर बाई चांस फिर भी अगर पार्टी ने चेहरा नहीं बदला तो पार्टी को वोट नहीं देंगे लगातार, फिर पार्टी भी मौका दे रही और जनता भी तो जीता। किरण जी की मेहरबानी से थोड़ा बहुत काम हुआ वहाँ पे, जो भी रास्ता बना है वो तो शुरू से ही उनके साथ है। सुरेंद्र सिंह जी को वहाँ कौन जानते चार गुजर, लेकिन हाँ अगर चेहरा चेंज नहीं होता है तो फिर थोड़ी सी समस्या आ सकती है बीजेपी की। 93 से बीजेपी में हूँ, लेकिन बीजेपी के वो जो MLA साहब के जो रवैया है वो हमारे समझ में नहीं है। अगर अपनी इच्छा शक्ति है तो हर चीज़ संभव हो सकती है, और बाकी तो आप सोचोगे अब साहब तो क्या बोले उनका। चेहरा चेंज करेंगी, गुजरात में किया तो वो जीती, वापस राजस्थान में नहीं करेगी तो हारेगी यहाँ से। विधानसभा चुनाव की बातें हैं और बातों में हम भी प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव की क्या बातें हैं, क्या मिजाज हैं, वह मिजाज ग्राउंड पर जाएं, लोगों से बातचीत करें, वृद्धजनों से बातचीत करें, युवाओं से बातचीत करें और समाज से बातचीत करके वह निचोड़ आप तक ले जाने का, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दोवड़ा माताजी मंदिर परिसर में हैं, और यहाँ पर नाथू जी गुजर की एक महाप्रसादी है। महाप्रसादी में कई लोग शामिल हुए हैं, उन जो लोग शामिल हुए हैं इस महाप्रसादी में, हम भी प्रयास करें उनसे बातें करें, चुनाव का रुख उनसे जाने। क्या नाम है? धर्मेंद्र वैष्णव, 4 बजे। ये मुख्य रूप से गढ़बोर में ये आपकी बात जो उठ रही है बदलाव की, विरोध की, ये क्यों हो रहे हैं ऐसे हालात बीजेपी में? क्यों नहीं, इसमें हालात बीजेपी का किसी को विरोध नहीं है गढ़बोर में, और गढ़बोर की जनता 80% बीजेपी को वोट देती है, लेकिन वो नाथू भाई के साथ है। और सुरेंद्र सिंह जी भी अच्छे आदमी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुंभलगढ़ विधानसभा के लिए विकास का विशेष कोई कार्य नहीं कराया। आज बेड़चना का जो हमारी बहुत सालों पुरानी महत्वाकांक्षी योजना है, उससे आमेट और गढ़बोर का पानी की व्यवस्था हो सकती थी, वो आज दिन तक उनके सिंचाई मंत्री रहते हुए नहीं हुई, तो फिर हम उनको कैसे माने? वो तो क्या, तो पहले उसको वो क्वेश्चन हमने भी किया था, वो पहले तो कोर्ट में अटका हुआ था और बाद में अब सरकार कांग्रेस में तो राम मंदिर का सोल्यूशन हो गया, तो ये तो बेड़चना का है हमारे यहाँ का, तो फिर कोर्ट की कहाँ बात ही। अगर अपनी इच्छा शक्ति है तो हर चीज़ संभव हो सकती है, और बाकी तो आप सोचोगे अब साहब तो क्या बोले उनका तो। नहीं तो लगातार फिर पार्टी भी मौका दे रही है और जनता भी तो जीता रही है, वो बीजेपी को जीता रही है साहब। आज बीजेपी को मतलब जीत है ही है, कुंभलगढ़ विधानसभा पूरी एक तरफा बीजेपी को जाती है, किसी कारण से अभी एक बार कांग्रेस आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब थोड़ा विरोध है क्योंकि जो MLA साहब है सिटिंग MLA, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया जो वो गिना सके कुंभलगढ़ विधानसभा के लिए, हमने ये किया है, तो इसलिए विरोध तो होना स्वाभाविक है। ये जो बातें हो रही हैं आप क्या कैसे देखते हैं? हम भी वही देख रहे, जो ये इनका मत है वो हमारा भी है। क्यों ऐसे? 20 साल से MLA साहब के साथ ही थे, पूरे जब से नाथू के पिताजी थे उस समय से हम साथ में MLA साहब के, लेकिन आज दिन तक कोई विकास नहीं। चारभुजा नाम से उनको नफरत है, कोई विकास नहीं करते हैं। तो चारभुजा जी तो वसुंधरा राजे खुद आपके वहाँ आती है और मुख्य अच्छे अच्छे मंत्री वहाँ VIP आपके आते हैं ना, आपके सेंक्शन करवाई वो भी वसुंधरा जी ने। वसुंधरा जी जो काम हुआ है वसुंधरा जी, वसुंधरा जी के समय पे वहाँ की सेंक्शन हुई है, सबसे बड़ी सेंक्शन वसुंधरा जी और किरण जी की मेहरबानी से थोड़ा बहुत काम हुआ वहाँ पे, जो भी रास्ता बनाए कुछ भी काम हुआ तो वो किरण जी की और वसुंधरा जी की मेहरबानी से हुआ। तो वसुंधरा जी की मेहरबानी, लेकिन वो भी विधायक है, वो तो यहाँ उनके भी मेहरबानी रही होगी तो कुछ हुआ। साहब हम तो ये चाहते हैं कि सर साहब को 30 साल हो गए, 93 से वो है सिटिंग MLA, 25 पाँच टर्म उनके हो गए, 4 या 5 टर्म, तो अब हमारे नाथू भाई साहब को भी, क्योंकि वो तो शुरू से ही उनके साथ है। सुरेंद्र सिंह जी को वहाँ कौन जानते चार भुजा में, जानते तो नाथू भाई साहब के साथ। अब यूँ लग रहा है वसुंधरा जी और सुरेंद्र सिंह जी भी खटपट है। देखो ये ऊपर के लेवल की बात है, हम तो चाहते हैं हमारा कैंडिडेट नाथू भाई इस बार टिकट। हाँ तो दूसरा जिसे भी अगर टिकट दे दिया, चाहे नाथू भाई को हो या और भी जो दावेदार हैं, तो फिर संगठन एकजुट रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा साहब, पार्टी सबके संगठन तो बीजेपी के साथ है, लेकिन हाँ अगर चेहरा चेंज नहीं होता है तो फिर थोड़ी सी समस्या आ सकती है बीजेपी के लिए। क्या नाम है आपका? नंदलाल। कहाँ रहते हो? चारभुजा। चारभुजा से ही ज्यादा आते हैं? हाँ। कई लाग रहे हो ये जो चीजें बार बार परिवर्तन चाहिए, सबको परिवर्तन होके रहेगा
प्रदेश में परिवर्तन कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में और प्रदेश में, प्रदेश में भी होगा। हाँ, एक बात बार बार जैसे इस बार ये उठ रही हैं, कुंभलगढ़ से ही आपके महाप्रसादियों का दौर शुरू हुआ, अलग अलग जा रहे हैं, सभी लोग मिल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो ये वास्तव में ये चीज़ें जो दिख रही हैं हो रही हैं महाप्रसादियों में, पार्टी एकजुट हो रही है? एक पार्टी तो एकजुट है, लेकिन हमारे प्रत्याशी ये परिवर्तन के लिए महाप्रसादी हो रही है। तो महाप्रसादी में अगर बाई चांस फिर भी अगर पार्टी ने चेहरा नहीं बदला तो? तो पार्टी को वोट नहीं देंगे। कौन नहीं देगा? बीजेपी वाले, सब संगठन वाले। किसको देंगे? निर्दलीय नोटो दबाएंगे। अच्छा, सुरेंद्र सिंह जी को नहीं देंगे? तो नहीं, तो फिर उसका तो फायदा दूसरी पार्टी को ही मिलेगा फिर। तो उठाएंगे वो, अगर चेंज नहीं करेगी परिवर्तन तो दूसरी पार्टी फायदा उठाएगी। तो वो तो फिर पार्टी विरोधी गतिविधि होगी। विरोधी का सवाल नहीं है, एक आदमी का परमानेंट रखना खास बात नहीं है। पर हमारे गांव में सीसी रोड हुआ तो अमित शाह जी पधारे, जब भी हुआ सीसी रोड तो ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत बड़ा लेवल पर जब अमित शाह की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2014 में पधारे, जब भी गांव का वो भी नहीं हुआ इनसे 30 साल से, तो फिर क्या हुआ? वो खुद पधारते कितनी बार आते हैं, एक पाँव वहाँ दो, एक पाँव वहाँ दो, गटर का चेंज कर हदका मार के जाना पड़ता था। जो वसुंधरा जी पधारे, अमित शाह पधारे, तो हमारे पूरा गांव में सीसी रोड का काम हुआ। अच्छा, आप शुभ नाम? मेरा नाम पारस गुजर है, मैं रहता हूँ कुंभलगढ़ के उस ओर, दोवास गांव है मेरा, ओड़ा पंचायत है मेरे। मैं लंबी सर 93 से बीजेपी में हूँ, लेकिन बीजेपी के वो जो एमएलए साहब के जो रवैया है वो हमारे समझ में नहीं है। क्या क्या रवैया है? वो काटते हैं हमारी जाति वालों को, कोई कार्यकर्ता ऊपर आता है उसको काट देते हैं। जैसे नाथो जी भी तरानू से हमारे साथ में है, हम भी सब तरानू में से हैं, लेकिन जो ये पंचायत समिति मेंबर जिला परिषद सदस्य रहे उनके काम नहीं होने दिए, फिर सरपंच में खड़े हुए तो इनको इनके विरोध में प्रचार किया उन्होंने, तो ये भी तो बीजेपी में रहे होगा। और हमारी गुजर समाज की पुरानी मांग है कई सालों से कि हम टिकट की मांग कर रहे हैं, मेरे अंकल खुद पहले निर्दलीय चुनाव लड़े। कुछ गुजर समाज राजसमंद में भी, राजसमंद में भी मांग रहा सीट, राजसमंद में बालू जी गुजर होंगे, गुजर समाज को दो। हाँ, तो यही बात भीम में भी उठ रही है, राजसमंद में उठ रही है, नाथद्वारा में उठ रही है। हमारे कुंभलगढ़ में गुजरों की संख्या ज़्यादा है, नादवारा में राजसमंद में इतनी नहीं है, भीम में भी इतनी नहीं है। हमारे यहाँ की संख्या 40,000 के करीबन है, 36,000-35,000 की हमारी संख्या, तो हमारा एमएलए आराम से बन सकता है। अगर ये लग रहा है कि पार्टी इस बार चेहरा चेंज करेगी? पार्टी चेहरा चेंज करेंगी, गुजरात में किया तो वो जीती, वापस राजस्थान में नहीं करेगी तो हारेगी यहाँ से। यूं नहीं देखती पार्टी, यूं भी देखती है कि लगातार कौन जीत रहा है क्या है, वापस उसको पार्टी को सीट निकालनी है उसके। नहीं, वो बात भी आपकी सही है कि पार्टी को जैसे तैसे करके सीट निकालनी, और सुरेंद्र सिंह जी भी जीते हैं ज़्यादा, मतलब 27,000 से जीते हैं, एक बार 18,000 से जीते हैं, लेकिन ये सामने कैंडिडेट कमज़ोर होने की वजह से वो जीते हैं दो बार। ठीक है होगा, और अपनी विशेष करके इन्होंने जातिवाद बहुत ज़्यादा किया, हमारी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। अभी हमारा जिला प्रमुख भी अभी बनता था इसमें, कैलाशी भाई हमारे चार भुजा की है, वो इसी गांव की बहन बेटी है, वो भी बनती, लेकिन इन्होंने नहीं बनाए। और जाटों के वोट कितने, 1,000-2,000 वोट है पूरे विधानसभा में, उनको बना दिया, तो इस तरह से ये मामला है। ये तो मेंबर बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, उनका सदस्य बनाते हैं, लेकिन जिस जाति का प्रतिनिधित्व होता है उसको खुश तो करना पड़ता ना। क्या नाम है आपका? बंसीलाल सैन। कहाँ से आए हो? खरनोटा। क्या है आज यहाँ? क्या नाथू भाई ने प्रसादी रखी है दोड़ा माता जी को, प्रसादी है चुनाव सुना और दो ही काम तो कई कई बात अभी बेपरा सीट बदलनी है, कई विकास नहीं भैरो है और कई विकास भी नहीं है बदलने की तरह। कांग्रेस का विधायक बनाना कई जनता पार्टी रहा, तो जनता पार्टी में कौन है? नाथूलाल जी गुजर सारभुजा। तो बनारा वादे टिकटरी मांग है मुख्य रूप, टिकटरी मांग है, और बनारा अलावा कहीं दूसरा ने मिल गया तो? दूसरा ने मिले तो बढ़िया, जनता पार्टी ने मिलना चाहे
सुरेंद्र सिंह जी ने मिल गया था? सुरेंद्र सिंह ने नहीं मिलना साहब। क्या टिकट चेंज होना चाहिए? 30 साल हो गए, टिकट चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो ये हर सदस्यों में देखिए, हर सदस्य की अलग अलग बातें हैं और मुख्य रूप से कहीं ना कहीं हर सदस्य, हर व्यक्ति का एक ही वक्तव्य है, बदलाव। ये बदलाव की बातें कहाँ तक सार्थक हैं, कब तक ये बनी रहती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनावी मिजाज बताएगा, लोगों का वोट बताएगा कि वास्तव में ये जो महाप्रसादियाँ हो रही हैं उसका ये परिणाम निकला है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।